नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज टीवी न्यूज। दर्शकों, जनता की आवाज टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आगे नजर डालते हैं भिवंडी की कुछ खास खबरों पर। फिर से भिवंडी सर, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू ने हमारे चैनल के माध्यम से कहा कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर योगेश मथे की तानाशाही व मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। आइए सुनते हैं क्या कहना है भिवंडी सर, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू के। भाई, स्टैंडिंग कमेटी का एक सभा रखा गया था, उस सभा को क्यों कैंसिल किया गया, इसकी पूरी जानकारी देंगे, क्या कारण था? अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे बाजू में बैठे हुए हमारे सभा का नेता प्रशांत लाड साहब, हमारे कांग्रेस संगठ नेता अली भंसाई साहब, नगर सेवक अरुण राउत साहब, आज जो मैं कुछ आप लोगों को, पूरी भिवंडी की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि महानगर पालिका में कमिश्नर किस तरीके से मनमानी कर रहा है, किस तरीके से उसकी तानाशाही चल रही है, ये बताना बहुत ज़रूरी है भिवंडी की आवाम को। क्योंकि महानगर पालिका कमिश्नर जो है ना, वो विरोधी पक्ष नेता को, ना सभागार नेता को, ना कोई पार्टी के कोई भी घट नेता हो, ना महापौर साहब को और ना स्टैंडिंग चेयरमैन को, किसी को कॉन्फिडेंस में ना लेते हुए, ना कुछ मालूम देते हुए, चाहे वो स्थायी समिति की मीटिंग हो, चाहे महासभा की मीटिंग हो, वो कोई भी प्रस्ताव भेज देते हैं और जो प्रस्ताव रहता है सिवाय जनता के नुकसान के, किसी का जिससे जनता का सबसे बड़ा नुकसान रहता है। 14 फरवरी 2018 को स्थायी समिति की मीटिंग थी, जिसके अंदर, उस मीटिंग के अंदर आपको बताता चलूं कि हमारे चेयरमैन इमरान अली मोहम्मद खान जब वो प्रस्ताव देखे तो एकदम अचंभे में रह गए, और अचंभे में रहने के बाद उन्होंने उस मीटिंग को कैंसिल किया, क्योंकि वो प्रस्ताव इस तरीके का था कि जो हमारे भिवंडी शहर का, जैसे धोबी तलाव स्टेडियम का ग्राउंड हो, चाहे चैलेंज ग्राउंड हो, चाहे शादी का हॉल हो, चाहे पार्किंग पट्टी का मसला हो, चाहे घर पट्टी का हो, सबके अंदर जब देखा गया कि इतना भाव बढ़ा के इन्होंने प्रस्ताव भेजा है कमिश्नर ने, उस मीटिंग को ताबड़तोड़, चाहे कांग्रेस के स्थायी समिति के सदस्य हों, चाहे दूसरी पार्टी के सदस्य हों, सबको जानकारी दी, सब लोगों ने मिल के इसको मीटिंग को रद्द किया। और अभी मैं आपको बताता चलूँ कि जो ग्राउंड है हमारे भिवंडी शहर के अंदर, जो चैलेंज ग्राउंड है, उसका जो भाव था, पहले जो राजकीय सभा के लिए 15,000 रुपया लिया जाता था और कोई नॉर्मल के लिए 2,000 रुपया भाड़ा लिया जाता था, लेकिन अभी उस चैलेंज ग्राउंड को 84,960 रुपया कर दिया गया है। कि आप सोचिए कि 1,000-2,000 का भाव का समझ में आती बात है कि कितना रुपये का फर्क हो चुका है। नॉर्मल रेट 2,000, राजकीय सभा के लिए 15,000 का पुराना रेट, और अभी डायरेक्ट चैलेंज ग्राउंड का 84,960 रुपया कर दिया गया। और जो हमारे भादौर का जो ग्राउंड है उसको डायरेक्ट, भादौर ग्राउंड को डायरेक्ट 35,920 रुपया कर दिया गया है। और जो सबसे बड़ा धोबी तलाव स्टेडियम है, जहाँ वहाँ पे राजकीय समाज का भी सभा होती है और प्लस सामाजिक भी होती है, और बहुत से नौजवान युवा बच्चे हमारे वहाँ फिटनेस के लिए क्रिकेट खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, तो दो उनका आज रेट स्क्वायर फीट जो है 5 रुपया स्क्वायर फीट का उन्होंने रेट बढ़ाया है, तो डायरेक्ट 2,27,250 रुपया धोबी तलाव स्टेडियम का डायरेक्ट इतना रेट करने का मतलब, कहाँ 2,000 रुपया नॉर्मल और राजकीय सभा के 15,000 रुपया लिया जाता था, अब डायरेक्ट 2,27,250 ये हो गया ग्राउंड का। अभी हमारे इसी तरह भाव इतना बढ़ा दिया गया है। मैं महानगर पालिका कमिश्नर साहब कहना चाहूँगा कि जो भिवंडी शहर है वो मजदूरों टप्पे का शहर है, यहाँ पे हर स्टेट के लोग आके बसे हुए हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। आज हमारे नौजवान बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई इतना अच्छा सुविधा नहीं है महानगर पालिका की तरफ से। आज
जो भी थोड़ा स्टेडियम की ग्राउंड क्या हालत जाके देखिए क्या है, चैलेंज ग्राउंड की हालत जाके देखिए क्या है, या भादौर की हर ग्राउंड की हालत कभी रिपेयरिंग नहीं होती, कभी कलर नहीं होता। उसके बाद आप अगर मनमानी करके इस तरीके से अगर आप भाव बढ़ाएंगे ये बहुत दुख की बात है। उसके बाद ग्राउंड के बाद जो बेचारे आज पूरे शहर के अंदर एक ही चीज़ से जनता बहुत खुश थी, कम से कम हम लोगों को हॉल की बहुत सुविधा है भिवंडी शहर के अंदर और अच्छे और कम भाव में। अगर ना हो हॉल की रिपेयरिंग होती है, ना हॉल में कभी कलर होता है, ना वहाँ पे कोई सुविधा है बरूबर है, यहाँ पर पानी का टैंकर मिलता था वो भी बंद कर दिया गया है। उसके बाद अब शादी के हॉल जो भी चाहे गरीब समाज के हो, मिडिल क्लास के हो, चाहे जो भी आम आदमी हो, वो हॉल के जरिए अपना जो भी घर की शादियाँ हैं वो हो जाती थी। अब मैं आपको बताता था, जो गाजंगी हॉल जिसका पुराना रेट 8,055 रुपया था, आज उसको डायरेक्ट 19,800 रुपया कर दिया गया है, डायरेक्ट 11,745 रुपया बढ़ा दिया गया क्या है। उसके बाद बुबेरे हॉल जो 5,330 रुपया नीचे का ऊपर का मिला के जो हॉल मिलता था शादी के लिए, वो आज डायरेक्ट 15,400 रुपया कर दिया गया है, डायरेक्ट 10,070 रुपया उस पर बढ़ा दिया गया है। इसी तरीके से हमारे सिकंदर फक्की हॉल का जो 5,600 रुपया नीचे ऊपर का मिला के हॉल का रेट था, उसको डायरेक्ट 24,200 रुपया कर दिया गया है, 18,600 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है उसके अंदर। इसी तरीके से फरहान हॉल 5,330 रुपये में हॉल हमको मिलता था शादी के लिए, आज उसको 26,400 रुपये भाव कर दिया गया है और 21,070 रुपये उसमें बढ़ा दिया गया है। अब धोबी तला स्टेडियम में जो शाह मोहम्मद हॉल है उसका 6,800 रुपये नीचे ऊपर का मिला के था, उसको डायरेक्ट 70,400 रुपया कर दिया गया है, मतलब 63,000 रुपये का भाव डायरेक्ट बढ़ा दिया गया उसके अंदर। उसी तरीके से हमारे वराह देवी का जो हॉल है जो उसका 16,000 रुपया भाव था ऊपर पूरे हॉल का, आज उसको डायरेक्ट 88,000 रुपया का कर दिया गया है। बहुत दुख की बात है, ये हॉल का ऐसा नहीं 500,000 रुपये भाव बढ़ाया गया है, ये डायरेक्ट हजारों में इतना बढ़ा दिया गया है कि अब कोई भी ये हमारी गरीब जनता छोड़िए, आम आदमी जो मिडिल क्लास के लोग वो भी हॉल लेने के लिए अब कतराएंगे, कैसे हॉल में शादियाँ होंगी आगे आने वाले वक्त में, जो हमारे नौजवान बच्चों की शादियाँ हैं उनके लिए कितनी दिक्कतें होंगी। क्योंकि आज जो शहर के हालात है आप देख रहे हैं कि आज शहर में मंदी होने की वजह से आज किस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों की शादी कर्जा लेके उधार लेके शादियाँ कर रहे हैं। आज धंधा पानी अच्छा ना होने की वजह से आज हमारे लेबर तबके को पगार कम आने की वजह से आज शादियाँ करने के लिए दिक्कतें आ रही है। अगर कमिश्नर साहब इतना भाव बढ़ा देंगे हॉल के अंदर तो मैं समझता हूँ भिवंडी की आवाम, भिवंडी की जनता उनको बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी। और साथ ही साथ में पानी पट्टी को लेके जो प्रस्ताव में 1,000 रुपया लिखा गया है कि पुराना रेट था, मेरे ख्याल से वो गलत लिखा गया है, वो 1,500 रुपया जूना रेट है। जो आधे इंच की जो पाइप है जो घरों में ली जाती है उसको डायरेक्ट 5,000 रुपया कर दिया प्रस्ताव में उन्होंने भेजा है, आधे इंच का पाइप 5,000 रुपया भाव कर दिया है 1,500 को ले। एक इंच का जो पाइप होता है होटलों में या कमर्शियल में लगाया जाता है उसका भाव लिखने में 9,600 रुपया था, तो उसको तो कोई बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं गया, 10,000 रुपया किया गया है, 400 का कहीं फ़र्क है। व्यापारी जो व्यापारी लोगों के लिए 6,000 रुपया था वो डायरेक्ट 10,000 रुपया कर दिया गया है। पानी पट्टी जो सबसे बड़ा मसला है, जो घर मकान है चाहे फ्लैट हो मकान हो बैठेला मकान हो, गरीब जनता 1,500 रुपया भर ही नहीं पा रही, उसके अंदर दिक्कतें आ रही है। और फिर ये ला के ठोक दिया गया 5,000 रुपया अगर कर देती है तो इससे कैसे लोगों को पानी मिलेगा। और आज भी बहुत से एरिए में, बहुत से स्लम एरिए में, बहुत से बिल्डिंग एरिए में पानी की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन दादागिरी और मनमानी से महानगर पालिका वहाँ जाकर वसूली कर रही है, जहाँ 1,500 रुपये जो भाव उससे वसूली कर रही है। ये इसका ये सबसे बड़ा मुद्दा पानी पट्टी को लेके है। और उसके साथ ही साथ घर पट्टी को जो RCC बिल्डिंगें हैं, जो फ्लैट में रहते बिल्डिंगें हैं, वो पुराना भाव 1.70 रुपये स्क्वायर फीट था, उसको डायरेक्ट डबल कर देते हैं, 3.90 रुपये कर दिया है, डायरेक्ट 2.01 रुपया बढ़ा दिया गया है। ये कैसे लोग फ्लैट में वाले बर्दाश्त करेंगे, अभी 1.70 रुपये से लोगों का पुराना भाग घर पट्टी भरी दी गई है, लोगों के पास पैसे की सुविधा नहीं है तो ये रेट से कहाँ से लोग भरेंगे। और मैं समझता हूँ कि पुरानी वसूली भी जो बाकी है वो लोग भरेंगे नहीं अगर ये भाव बढ़ा देते हैं तो, इससे महानगर पालिका का भी नुकसान है। इसी तरीके से
जो चाल होती है पक्की चाल, जो ईंट से बांधकाम करके पक्की चाल बनाई जाती है, उसका टीबल भाव कर दिया गया है। 1 रुपया 40 पैसे को डायरेक्ट 3 रुपया 10 पैसा कर दिया गया है, 3 पट बढ़ा दिया गया है। ये विषय गरीब जनता जो चाल में रहते हैं, ये कैसे भरे, 1 बार 40 पैसा भरना भारी पड़ रहा है, तो 3 रुपया 10 पैसे स्क्वायर फीट के भाव से कैसे बढ़ेंगे। तो ये मैं जो अपना मोबाइल के थ्रू मीडिया के माध्यम से पूरी भिवंडी की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो घर पट्टी को लेके, पानी पट्टी को लेके जो ग्राउंड है और जो हॉल का रेट, जो ये प्रस्ताव इन्होंने भेजा है, ये प्रस्ताव इसीलिए हमने मीटिंग कैंसिल कर दी है। हमारे इमरान अली मोहम्मद खान साहब जो स्टैंडिंग चेयरमैन है, इन्होंने कैंसिल किया इस चीज़ को लेके। और कैंसिल करने के बाद अभी हमारी कांग्रेस पार्टी की महापौर साहब के साथ मीटिंग हुई, वो भी स्टैंडिंग सदस्य साथ साथ में सभागार नेता, घट नेता, सब नगर सभा की चर्चा हुई। ये प्रस्ताव हम कोई भी हालत में जो कमिश्नर ने भेजा है हम स्टैंडिंग कमेटी में पास होने नहीं देंगे, और उसके बाद महासभा में भी हम इंशाल्लाह पास होने नहीं देंगे। मैं समझता हूँ इसके अंदर सभी पार्टी के लोग इस मुद्दे को लेकर विरोध करेंगे, क्योंकि ये कोई पर्सनल मामला या पार्टी का मामला नहीं है, ये आवाम का, पूरी भिवंडी की जनता का मसला है। अभी भी जो लोग कमिश्नर के जो तारीफ के पीछे लगे रहते हैं, कमिश्नर की तारीफ करते हैं, फोटो निकाल के भेजते हैं, मैं उससे विनती करूँगा कि कम से कम आप लोग भी इस मामले को लेके कमिश्नर को आवाज़ उठाइए, और सब पार्टी के लोग, सभी सामाजिक लोग, सभी एनजीओ, सभी भिवंडी की आवाम को अपील करता हूँ कि जब अगर ये इसमें दादा की मनमानी में अगर कमिश्नर नहीं करता है तो हमको महानगर पालिका के सामने आकर ऊपर घेराव करना पड़ेगा, और कमिश्नर को एक यहाँ से संदेश देना पड़ेगा शहर से, अगर तुम आवाम के साथ गलत करोगे तो तुमको आवाम छोड़ने वाली नहीं है। और ये जो भाव बढ़ा है इसका कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से, पूरी पार्टी के नगर सभा की तरफ से, महापौर साहब की तरफ से, हमारे स्थानीय चेयरमैन की तरफ से हम उसका निषेध करते हैं, और ये प्रस्ताव इंशाल्लाह पास नहीं होगा। लेकिन ये बताना आवाम को बहुत ज़रूरी है कि जो कमिश्नर का जो चेहरा दिखता है वो आप लोग जब मिलते हो आवाम या कोई भी नेता से मिलता है उस वक्त चेहरा कैसा रहता है, और पीठ पीछे कैसा प्रस्ताव भेज के या मिसगाइड कर रहे हैं पब्लिक को, ये मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस वाले भाव बढ़ा रहे हैं या कांग्रेस की सत्ता, कांग्रेस के महापौर ये भाव बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, इनका सबसे पहले काम है कमिश्नर का महापौर साहब के साथ बैठ के उनको कॉन्फिडेंस में लेना, विरोधी पक्ष नेता को कॉन्फिडेंस में लेना, सभागार नेता को कॉन्फिडेंस में लेना, स्टैंडिंग चेयरमैन जो सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से भी पास होने वाला था उनको कॉन्फिडेंस में लेना, इमरान अली मोहम्मद खान को, और सभी पार्टी के जो भी घट नेता है उनको बात करके कोई भी प्रस्ताव को भेजना चाहिए। ये मनमानी दादागिरी की बंद करना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त भिवंडी शहर के लिए बहुत तकलीफ दे सकता है। और साथ ही साथ में इससे पहले भी हमारा महासभा में पास हो चुका है जो मृत्यु दाखिला है, जन्म दाखिला है, वो रद्द हो चुका है, लेकिन अभी तक के वो उसमें जो इम्प्लीमेंट उसका हुआ नहीं है, वो अभी तक डिक्लेयर होना जाना चाहिए जब महासभा में पास हो चुका है, और वो होएगा आज नहीं कर रही कमिश्नर साहब उसमें लेट क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ी दादा की मनमानी की जो चली है ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये शहर का नुकसान इस कुछ नहीं कर रहे हैं, और रोड रास्ता भी इनकी नीयत कोई बनाने की नहीं थी, इसके लिए हम लोगों को बहुत जद्दोजहद करके बहुत से रोड रास्ते का काम चालू हो चुका है, बहुत सी जगह पानी की समस्या है वो अभी तक हल नहीं किया उन्होंने, हल करना चाहिए। और जो हर घर नंबर पे पानी पट्टी जो फिक्स कर दी गई है ये भी कमिश्नर साहब की जो मनमानी है ये भी नहीं चलने वाली है, इसका भी हम लोग विरोध करेंगे इंशाल्लाह। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये बताते हैं कि 100 करोड़ कितना करोड़ रुपया महानगर पालिका में जमा है, अरे महानगर पालिका वैसे भी कर्जे में है। मैं समझता हूँ अभी कॉन्ट्रैक्टर कोई कॉन्ट्रैक्ट काम को लेने तैयार नहीं है, ना गटर का, ना ब्लॉक का, ना किसी चीज़ का काम लेने तैयार, क्योंकि 200 करोड़ से ऊपर कॉन्ट्रैक्टर लोगों का पैसा बाकी है, और वैसे भी 600-700 करोड़ रुपये से ऊपर महानगर पालिका कर्जे में है, वो 100 करोड़ का महानगर पालिका में जमा कर क्या मतलब, आप अपने हाथों से आप अपना कॉन्ट्रैक्टर महानगर पालिका के थ्रू टेंडर पास करके अपने नेतृत्व में आप जो भी ये भिवंडी की शहर का समस्या है, रोड को लेके, पानी को लेके, साफ सफाई को लेके, जो भी अभियान है उसको क्या नाम है, जो भी मसलाई रहे वो स्ट्रीट लाइट को लेके, चैम्बर को लेके, ये मसले वो उसमें पैसा उसमें आप इस्तेमाल करिए, ये भी वो है। और मैं कमिश्नर साहब को चेतावनी देता हूँ कि अब बहुत हो चुका, बर्दाश्त की एक लिमिट होती है, अगर आप आगे चल के नहीं अगर सुधरेंगे तो कांग्रेस के पार्टी के महापौर और सभी जिम्मेदार नगर सेवक पदाधिकारी आपके विरोध तो करेगी, और सभी पार्टियों को हम निवेदन देंगे और पूरे भिवंडी की आवाम को लेके आपको यहाँ से ऐसा हम लोग
वो करेंगे कि आप आने वाले वक्त में आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या ऐसी गलती कर दिया, इससे अपनी गलती सुधारिए और गलती से बचने की कोशिश करिए। ये प्रस्ताव जितना ही भेजा है आप वापस लीजिए और भिवंडी के हक में कितना अच्छा हो सकता है वो जो फैसला होता है वो करिए। मैं फिर भिवंडी की आवाम का शुक्रमंद हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा हमारा साथ दिया है, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। कुछ लोगों को नाराजगी अगर है वो बैठ कर हमसे बात करें कि कमिश्नर ने इससे पहले माइनॉरिटी का फोन आके चला गया, शुल्क भूत की जो सुविधा होती है 2 साल से वो लोगों को मिली नहीं है, ऐसा प्रभाग निधि होती है, नगर सेवक की निधि होती है, कोई उनका काम करने के लिए वो निधि प्रस्ताव पास नहीं हो रहा है। इसके लिए हम कमिश्नर का रिसर्च करते हैं और 2-3 दिन बाद हम अपने नगर सेवक सबकी मीटिंग लेके कमिश्नर का विरोध किस तरीके से करना है और शहर का कैसे काम करना है उसकी हम मीटिंग लेके अभी बहुत जल्द काम चालू करने वाले हैं। और मैं पूरी भिवंडी की आवाम का साथ चाहता हूँ, भिवंडी की आवाम की दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, लेकिन भिवंडी की आवाम के बगैर हम अधूरे हैं। भिवंडी की आवाम जनता की सबसे बड़ी ताकत है, जनता की ताकत रहेगी तो नगर सेवक हो चाहे कोई भी हो सब लोग इस मकसद में कामयाब होंगे। इसी से मैं दो अल्फाज खत्म। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।